हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ न्यू वीडियो। आज हम Xiaomi के एक नए फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। अभी तक आपने Xiaomi की Note 10 Pro काफ़ी चर्चा में थी, आपने देखा होगा था, लेकिन काफ़ी सारी कमी। पहली बात तो वो 5G नहीं थी, उसके UI में प्रॉब्लम थी, फास्ट चार्जिंग था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। तो अब हम एक नया फ़ोन Xiaomi लेकर आ चुका है, नाम है Xiaomi Note 10 Pro। जी हाँ, Xiaomi Note 11 Pro, और यह फ़ोन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। आज हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, कुछ पिक्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। यह डुअल सिम 5G इनेबल्ड है, मतलब यह 5G के साथ आता है। साथ ही 13 बैंड के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो न्यू फ़ोन और न्यू प्रोसेसर के साथ ही आएगा। इसका न्यू प्रोसेसर 778G ऑक्टा कोर 2.4 GHz प्रोसेसर के साथ ही ये इंडिया में आएगा। इसका बेस वेरिएंट 6GB 128GB और इसका मिड वाला होगा वो 8128 होगा, और सबसे हाईएस्ट रेंज वाला होगा वो 12GB 256GB का होगा। लेकिन याद रखें, 6GB 128 बेस वेरिएंट आपको नहीं, हमेशा अपना हायर वेरिएंट बेचने की कोशिश करती है और बेस वेरिएंट को दबा देती है। तो वो कहानी इस बार फिर से होगी। ये न्यू प्रोसेसर 778G ऑक्टा कोर के साथ ही आएगा। के बारे में बात करें तो 5200mAh की बैटरी मिलेगी, जो 33W फास्ट चार्जर के साथ आएगा। इसमें क्वाड कोर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा 108 MP, सेकंड 5 MP, सेकंड फिर थर्ड 2 MP, फिर फोर्थ 2 MP का होगा, जो 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा 1080p में भरेगा। साथ ही फ्रंट कैमरा इसका 32 MP का होगा, जो पंच होल डिस्प्ले के साथ में आएगा, जो 1080p में 30 FPS वीडियो। सुपर एमोलेड स्क्रीन 6.67 इंच का होगा, और साथ ही 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। ये एंड्रॉयड 11 पर काम करेगा, यह इसका लेटेस्ट वर्जन है। साथ ही कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि इसका 3 साल तक रेगुलर मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया गया है, और डिज़ाइन के मामले में Xiaomi को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। बाकी कंपनियां इसी के फ़ोन को लॉन्च होने के बाद इसी के कंपेरिजन करके बाकी अपना फ़ोन बनाती हैं, और ये फ़ोन काफ़ी लुक में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। जिस तरह से इसका मैट लुक बनाया गया है, और Redmi की छोटी सी एक बेजिंग दी गई है, और क्वाड कोर कैमरा सेटअप जिस तरह से बनाया गया है, नीचे में फ्लैश कैमरा के होल्स काफ़ी बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से देखने में लग रहा है कि ये फ़ोन फिर से धमाका मचाने वाली है। और ये 1000 के अंदर आपको इंडिया में अब देखते हैं। साथ में इसमें बताया भी गया है कि इसके साथ में हम इसको मेमोरी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि इसमें डेडिकेट सिम कार्ड मिलेगा या हाइब्रिड, लेकिन ऐसा इसमें लेक्स आ रहे हैं कि इसमें मेमोरी कार्ड किया जा सकता है। कुछ शेयर कर रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। ये है रेडमी का रेडमी कह सकते हैं या Xiaomi कह सकते हैं या MI कह सकते हैं, Xiaomi Note 11 Pro। इसके एक और एक हायर वेरिएंट के फ़ोन भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, उसे मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये नोट 11 प्रो का रियल पिक्चर है, 108 MP कैमरा। काफ़ी लिस्ट क्या रहे थे इसके सामने, इसके में फ्रंट में 200 MP कैमरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल खबर ये है, कुछ इस पर स्पेसिफिकेशन लिस्ट होने की वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि 108 MP के साथ ये आएगा, और ये 4K रिकॉर्डिंग भी करेगा, और 5G इनेबल्ड होगा। 13 बैंड सबसे ज़्यादा बैंड इसमें दिए गए हैं। अब ये भी सैमसंग ने कुछ दिन पहले भी एक अपना फ़ोन 13 बैंड के साथ लॉन्च किया था, F52S 13 बैंड के साथ लॉन्च हुआ है। बस उसी के लॉन्च के आप 13 बैंड के साथ अपना 5G इनेबल्ड फ़ोन लेके आए, मतलब आपको अगर 5G लेना फ़ोन चाहते हैं तो आपको भविष्य में जब भी 5G आएगा दबा कर फ़ोन चला सकते हैं, आपको कोई भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ग्लास बॉडी के साथ ही आएगा, और इसमें भी सुनने में आया है कि इसमें जो गोरिल्ला 6 का प्रोटेक्शन सामने और पीछे में दिया जाएगा। आइए कुछ इसके स्पेक्स देखते हैं। दोस्तों, अभी तक का वीडियो को ना प्लीज़ लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, साथ ही